अभी इस वाले फार्म पे फरवरी का मंथ चल रहा है और पहली बार मैंने स्नो गिरते हुए देखी है और स्नो गिरते हुए काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और आज मैंने घोड़ा चेंज कर लिया है, अपना फेवरेट वाला घोड़ा वो सामने घूम रहा है, बट आज मैं इस वाले घोड़े की ट्रेनिंग करा रहा था तो मैं अभी इसी घोड़े पर स्टार्ट कर रहा हूँ। और बाकी मैंने फार्म पे जो है काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं, तो अपने जितने भी खेत थे वो सारे के सारे मैंने रेडी कर लिए हैं नई क्रॉप लगाने के लिए। और नई क्रॉप मैं लगाने वाला हूँ कॉटन इस बार, क्योंकि कॉटन की फार्मिंग अभी तक एक बार भी नहीं की है और कॉटन की फार्मिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। और स्पिनरी में कॉटन से जो है फैब्रिक बना सकते हैं, क्लोथ बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली मैं उसे स्पिनरी में सेल कर सकता हूँ, वो बाकी मर्जी है। अगर खुद की स्पिनरी लगाएंगे तो यूज़ कर लेंगे, नहीं तो मैं कॉटन को जो है डायरेक्टली सेल कर दूंगा। बाकी स्पिनरी इस वाले फार्म पे अभी है नहीं। मैंने ये सामने जो है गैराज चेंज कर दिया है, पहले मैंने यहाँ पे शेड डाली थी एक गाड़ियों के लिए, बट मैंने यहाँ पे अब एक प्रॉपर नया वाला गैराज लगा दिया है। और बाकी इस गैराज के अंदर एक और स्पेशल चीज़ पार्क कर रखी है मैंने, तो वो स्पेशल चीज़ मैं खोल के दिखाता हूँ। वो स्पेशल चीज़ है ये क्वैड बाइक, और ये क्वैड बाइक काफ़ी ज़्यादा सही है और ये नॉर्मल क्वैड बाइक से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यह पूरी कस्टम ट्यून्ड है, तो मैं दिखाता हूँ इसे चला के, इसकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा सही है। बाकी इसके सामने कंसोल तो नॉर्मल सा है, खाली यहाँ पे स्पीड का ही आता है, और ये चलाने में काफ़ी ज़्यादा सही है। मैं एक बार इसे चला के दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी दौड़ लेती है और इसके सस्पेंशन जो है पूरे पूरे झुक जाते हैं एक साइड, तेज़ मोड़ो तो ये उठ भी जाती है एक साइड से। बाकी इसे एक बार बाहर रोड पर लेके चलता हूँ और इसे एक बार तेज़ चला के देखते हैं। मैंने थोड़ी सी चला के देखी थी, ये मैंने अभी परचेज़ किया है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी नए व्हीकल्स आए हैं, मतलब ट्रैक्टर्स भी नए मैंने ऐड किए हैं, गाड़ियाँ भी ऐड किए हैं, तो अभी एक बार इसे फुल स्पीड में चला के देखते हैं। और ये पूरी झूल जाती है ऐसे, अगर तेज मोड़े ना दीवार के भिड़े ही गई। एक बार यहाँ से आराम से निकाल के रोड पे ले चलता हूँ पहले। और ये स्नो पड़ रही है तो यहाँ पे किसी ने स्नोमैन भी बना दिया, एक मिनट इसे तो मैं देख लूँ। ये बना रखा है स्नोमैन, और एक स्नोमैन ऐसा जो है अपने घर के पास भी है, वो तो मैंने पहले दिखा दिया था एक बार। अभी एक काम करते हैं, इधर का रोड एक्सप्लोर नहीं किया, इधर चलते हैं एक बार। और यहाँ भी एक स्नोमैन है और यहाँ पे अपना घर आ जाएगा राइट साइड में, वहाँ भी एक स्नोमैन है, पर वो घर के पीछे वाली साइड पे है, वो एक आगे वाली साइड पे बन गया है। ये रहा, ये अपना घर ही है यहाँ पे, ये रहा एक स्नोमैन और एक स्नोमैन पीछे था वो रहा वहाँ पे। डोगी भी यहाँ ही पे होना चाहिए, उसकी बोल तो ये पड़ी है, बाकी इसके लिए खाना डाल देते हैं और होगा यहीं कहीं घूमता रहता है। काफ़ी सही चल लेती है, बट इसका सस्पेंशन सॉफ्ट है तो उसकी हैंडलिंग थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं है। वैसे ही ऑफ रोडिंग के हिसाब से बनी है तो उस हिसाब से सस्पेंशन रखा गया है। ये पूरी की पूरी जो है, अभी मैं दिखाता हूँ क्या होता है अगर इसे तेज़ मोड़ते हैं, तो ये तेज़ मोड़ तो एक साइड से उठ जाती है पूरी। नहीं अभी एक काम करते हैं, यहाँ से निकालता हूँ इसे, यहाँ तो जो है इतनी जगह ही नहीं है रोड पर। लाइट तो उसकी काफ़ी सही है। फार्म जो है ना, जहाँ घोड़ों की ट्रेनिंग का ग्राउंड है वहाँ पर गोल गोल घुमा के देखते हैं। ये है अपना घोड़ों का, ये मुड़गी ना तेज़ मोड़ते ही उड़ गई एक साइड से। अब यहाँ पे एक बार इसको तेज़ मोड़ूंगा, ये उड़ गई। तो इसको छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा काम की तरफ ध्यान दे लेते हैं। और ये अपनी दो गाड़ियाँ तो यहाँ खड़ी हुई हैं, और जो जिप्सी थी वो मैंने वापस कर दिया क्योंकि वो लीज पे ली थी, वो मेरे को उतनी खास भी नहीं लगी। बाकी उसके अलावा काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं तो वो ले लेंगे। अभी फिलहाल जो है एक ट्रैक्टर लेके चलना पड़ेगा क्योंकि सीडर लेके आना है, और ट्रैक्टर जो है ये वाला ले चलता हूँ, ये खाली खड़ा है। सीडर मैं बड़े वाला लेके आऊँगा क्योंकि अपने खेत ना काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, छोटे वाले सीडर से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। पहले जब मैं कल्टीवेटर छोटे वाला यूज़ कर रहा था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो बाद में मैंने बड़े वाला कल्टीवेटर लेके आया, उससे फटाफट अपने खेत जो है सारे कल्टीवेट हो गए। तो ये मैं यहाँ दिखा देता हूँ जी, अपने खेत रेडी हैं और ये तो अपनी काओ बान है, और काओ अपनी सारी बाहर घूम रही है। और एक तो ये राइट वाला खेत है और एक ये लेफ्ट वाला खेत है, लेफ्ट वाला खेत भी रेडी है और ये राइट वाला खेत भी रेडी है। और ये दो खेत हो गए और एक इसके अलावा खेत साथ में है, तो तीनों खेतों में कॉटन लगानी है। तो ये पहले एक बड़े वाला सीडर लेके आता हूँ, उससे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर एक दूसरा सीडर भी लेके आऊँगा क्योंकि खेत काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, दो सीडर यहाँ लगाने पड़ेंगे। बाकी ट्रैक्टर का वाइपर कंटिन्यूसली चल रहा है और ये ऑटोमेटिक है, मैं तो चलाया नहीं, अपने आप ही चल रहा है क्योंकि स्नो पड़ रही है, तो सामने की विंड स्क्रीन भी साफ करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी वाइपर ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। और अपने ये दोनों की जो मिरर है सही काम कर रहे हैं, लेफ्ट का भी जो है सही दिख रहा है और राइट का भी सही दिख रहा है, और अंदर जो IRVM है इसमें भी सही दिख रहा है, ये तो मैंने अभी नोटिस किया। फिर मिरर में सही दिखता है, यहाँ से भी पीछे का देख के आराम से रिवर्स वगैरह कर सकते हैं और पीछे का देख के चला सकते हैं। और पीछे का रोड बिल्कुल खाली है और ये शॉप तो यहाँ पर आ ही गई। बस इसे यहाँ पार्क करके अभी पहले मैं सामान ले लूँ, ये थे सीडर्स। और इसमें सीडर लेने में कोई बड़े वाला, तो सबसे बड़े वाला जो है इससे कॉटन तो नहीं लगा सकता, इससे भी कॉटन नहीं लग सकती। कॉटन वाला देखना पड़ेगा, कॉटन वाला कौन सा है, कॉटन तो यहाँ पे भी नहीं आ रही इससे, तो कॉटन के लिए ये वाला आ रहा है। और इसकी जो है विड्थ है 6 मीटर, तो ये तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये तो मुझे दो लेने ही पड़ेंगे। और इसके लिए अभी सीड भी लेना पड़ेगा, सीड की कैपेसिटी है इसमें 595 लीटर की,
तो यही एक परचेज करते हैं, और इसके लिए अभी सीट भी ले लेता हूँ, तो लीज पे लेते हैं, परचेज करने में तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, तो लीज पे लिया। और इसके अलावा लेने हैं एक सीट का बैग, ये सीट का एक बॉक्स लेते हैं, एक बॉक्स काफ़ी होगा। ये तो अपना वर्कर है, तो अपने ट्रैक्टर्स पे काम करता है, यहाँ पे घूम रहा है, मैंने इसको देखा है, ये कई बार ट्रैक्टर्स पे काम कर रहा होता है अपने। और ये आ गया सीडर, ये रहा अपना ट्रैक्टर, बस इसे अभी अटैच करके, पहले इसमें जो है सीड फिल करने पड़ेंगे, रिवर्स करके अटैच कर लेते हैं इसको। तो अभी तो खाली है, अभी बिल्कुल सीट नहीं है, थोड़ा सा रिवर्स करके यहाँ पे लेके जाता हूँ, फिर ये सीट इसमें से फिल करना शुरू कर देगा। हाँ आ गया सीट, और सीट की कैपेसिटी तो 400 लीटर की है, अपना बैग ये 800 लीटर के आसपास का है, तो दूसरा सीटर जो लेंगे उसमें भी जो है इसी से फिल हो जाएगा। बाकी इससे पहले मैं चल के खेत में लगा के आता हूँ, वर्क असाइन कर दूंगा और फिर दूसरा ट्रैक्टर लेके आऊँगा, दूसरे ट्रैक्टर से सेम यही वाला जो है सीटर लेके जाऊँगा। बाकी स्नो तो अभी गिरनी स्टार्ट हुई है, स्नो का पता नहीं मेरे को स्नो इतनी देर में रुकेगी, वैसे तो रुक जानी चाहिए, वैसे तो स्नो से कोई कॉटन पे ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कॉटन की जो फार्मिंग है वो फरवरी में ही होती है, तो स्नो के टाइम पे ही हो रही है। तो ये आ चुका है अपना खेत, और अभी क्या करता हूँ मैं, अभी इधर से ही स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ से ही ठीक रहेगा। अभी देखते हैं कितना एक्सपैंड होके जाता है, एक्सपैंड होके तो हाँ ठीक है, 6 मीटर का ही है, छोटा ही है, इससे बड़ा मिल ही नहीं रहा था। अभी जो है इसमें सीड लग नहीं पा रहा, अभी एक इशू है कि मैंने क्या किया था, जो पुरानी क्रॉप ख़राब हो गई थी उसको डायरेक्ट कल्टीवेटर से यहाँ पे जो है रेडी कर दिया था, बट ये खेत अभी शायद रेडी नहीं हुआ है क्रॉप लगाने के लिए, तो इसमें एक बार मुझे प्लो लगाना पड़ेगा, प्लो लगाने के बाद ही ये जाके रेडी होगा। तो मैंने इन दोनों खेतों में यही काम किया, क्योंकि यहाँ क्रॉप ख़राब हो चुकी थी, तो वो जो सामने वाला खेत है वो मैंने ऐसे नहीं किया, उसमें जो है प्रॉपर प्लो लगा हुआ है, तो वहाँ पर लगा देता हूँ इसको, और यहाँ पर प्लो लगा के प्लो लगाना स्टार्ट करता हूँ। हाँ ये वाला जो है इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसमें लगाना स्टार्ट हो गया सीधा, तो वो वाले खेतों में मुझे, और टेढ़ा क्यों जा रहा है भाई, और रुक जा, टेढ़ा क्यों चल रहा है, सीधा चल ले, हाँ ऐसे चल, हाँ कर स्टार्ट अब। तो ये वाला खेत जो है प्लो हो रखा है, और उन दोनों खेतों में मैंने कल्टीवेट तो कर दिया, बट गड़बड़ कर दी कि ये जो क्रॉप पड़ी हुई है ये हटाने के लिए अब यहाँ प्लो लगाना पड़ेगा, तब इनमें जो है मैं कॉटन लगा सकता हूँ। तो इतने अभी उसमें कॉटन लगा रहा है, इतने प्लो ले आता हूँ एक ट्रैक्टर से जाके, और इन्हें जो है प्लो से रेडी करता हूँ। तो अभी ये वाला ट्रैक्टर खड़ा हुआ है यहाँ पे पार्किंग में, इसी को ले चलता हूँ। और वैसे जो है अगर मैं बड़े वाला प्लो लूँ तो मुझे बहुत बड़े वाला ट्रैक्टर चाहिए होगा, काफ़ी ज़्यादा पावर लगती है, एक काम करता हूँ ना लीज पे ले लेता हूँ, ये वाला ट्रैक्टर नहीं पुल कर पाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़े वाला ट्रैक्टर पहले प्लो ही देख लूँ, सबसे बड़ा उसको कितनी कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है, टीयर अप प्लो, और सबसे बड़ा प्लो अगर मैं लूँ तो ये वाला प्लो होगा, इसकी जो है विड्थ है 6 मीटर की, और इसको चाहिए मिनिमम 265 किलोवाट या फिर 360 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर। और अगर मैं डिस्क हैरो लूँ तो डिस्क हैरो यहाँ पे आती है, पावर हैरो सारी हैं जैसे ये, तो ये पावर हैरो ले लेता हूँ, पावर हैरो से काम बनेगा, डिस्क हैरो भी कर सकती है, और जहाँ तक मुझे पता है पावर हैरो से भी काम हो सकता है, क्योंकि जो क्रॉप ऊपर पड़ी हुई है उसको सोयल में मिक्स करना पड़ेगा, तभी जो है नेक्स्ट सीड लग सकता है। सबसे बड़ी वाली ये है 6 मीटर वाली, तो इसको एक को लीज पे लेके एक बड़ा ट्रैक्टर लेता हूँ, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है 250 हॉर्स पावर। तो लार्ज ट्रैक्टर में अपने पास जो है सबसे लार्ज वाला ट्रैक्टर जो अवेलेबल है, एक ये वाला केस टू वाला है, और ये ऑटोनोमस है, तो ये अभी बाद में ट्राई करेंगे इस वाले को, अभी फिलहाल देख लेते हैं नॉर्मल वाले ट्रैक्टर में। ये ऐसे ट्रैक वाले टायर वाले तो इतने सही नहीं लगते मेरे को, ये नॉर्मल वाले ठीक लगते हैं, और ये 469 हॉर्स पावर का है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी, मतलब लीज पे लेना है, लीज पे भी कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ेगी, तो थोड़ा छोटा ही ले लेते हैं। ये वाला 396 का है, इतना सफिशियंट रहेगा, और इसके व्हील्स वगैरह का सेटअप तो क्या देखना है, तो लीज पे ही लेना है, तो इसको रेड ले लेते हैं और इसको ले चलता हूँ वहाँ पे। ये आ गया, और इसके इंटीरियर में यहाँ पे तो इसमें काफ़ी सारे कंट्रोल है, इधर क्या क्या है इसमें, ओ इधर भी वाइपर चल रहे हैं, एक वाइपर सामने चल रहा है, एक वाइपर राइट में, और एक पीछे चल रहा है, बस ये हो गया अटैच, और इसको अटैच करके लेके चलते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, यहाँ से निकलेगा ये, हाँ निकल तो जाएगा, ये फोल्ड भी तो होता होगा, हाँ फोल्ड हो जाता है, फोल्ड के लिए चलता हूँ, ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा ही सिस्टम है, इतने सारे मेरे को ये चीज़ें दिख रही हैं जिनसे कनेक्ट हो रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा है ये। यहीं से लगाना स्टार्ट करता हूँ, और अभी देखना पड़ेगा वर्कर ये काम कर भी पाएगा नहीं कर पाएगा, या मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे टास्क जो है वर्कर नहीं कर पाता, वो मैन्युअली खुद ही करने पड़ते हैं। हाँ यहाँ वर्कर कर पा रहा है, चलो ये तो सही हो गया। और बाकी हाँ हो रहा है, इससे खेत ठीक, ये रहा ना, अब जो है ये वाली जो क्रॉप पड़ी हुई थी ये इसमें मिक्स होने लगी। ओए क्या हो गया, कहाँ अटक गया भाई, काम कर ले,
नो फील्ड फाउंड। अबे फील्ड ये है तो सही, यहाँ पे क्या नो फील्ड दिख रहा है, इधर से लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, पता नहीं कॉर्नर में थोड़ा सा शायद इश्यू हो रहा होगा। अभी भी नहीं, अभी काम किया तो है यहाँ पे, ये मुझे मैनुअली करना पड़ेगा, ऐसे तो कर नहीं रहा, मैं खुद ही कर लेता हूँ इसको। अभी इधर कर भी ना, इसमें क्या इश्यू हो गया, वहाँ उसने थोड़ा सा किया तो था पहले स्टार्टिंग में, दूसरे वाले खेत में लगा के देखता हूँ, उस वाले खेत में पता नहीं कुछ इश्यू होगा शायद, फिर ये दूसरा वाला खेत अपना साथ में यहाँ पे है ही, ये यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा, और ये इस वाले खेत में थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो उसने काम किया था, स्टार्टिंग में खेत को ठीक किया था, अब पावर हैरो उसमें काम ही नहीं कर रही है। अब मेरे को डिस्क हैरो लानी पड़ेगी क्या इसके लिए, कोई नहीं इसको एक काम करता हूँ, इसको छोड़ो यहीं पे और इसको वापस कर देता हूँ अभी, क्योंकि लीज पे तो ली थी ना, इसका बिल भी नहीं बनेगा अभी, अभी मैं वापस कर दूंगा हैंड टू हैंड। तो ये रहा लीज आइटम्स में पावर हैरो, इसको वापस करके अब जाके डिस्क हैरो लेके आता हूँ। तो मैंने क्या किया है, मैंने डिस्क हैरो की जगह प्रॉपर जो है प्लोई ले लिया, क्योंकि प्लो का पता है प्लो काम करता है, मेरे को लग नहीं रहा डिस्क हैरो भी जो है काम करने वाली है, तो सबसे बड़े वाला प्लो ले लिया है, अब इसे लेके चलते हैं। और अभी तो ये इतना ज़्यादा लंबा है, इसको मोड़ने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, पूरा घुमा के ऐसे लगे फिर मोड़ना पड़ रहा है। और स्नो थोड़ी तेज हो गई है अब, और ज़्यादा ज़्यादा गिर रही है, और वैसे तो अभी दोपहर का टाइम है, बट स्नो कंटिन्यूसली सुबह से जो है गिरे जा रही है, और स्नो की वजह से जो घास और ट्रीज वगैरह हैं सभी अलग से दिख रहे हैं आज। यहाँ मैंने वर्कर साइन कर दिया और वर्कर साइन हो गया है, अब ये पता नहीं कौन सी टेक्निक लगा रहा है, इतने आगे ही लिया है। तो देखिए साइड से ऐसे खेत जा लंबा है, शायद ये ऐसे प्लो करना स्टार्ट करे या फिर किधर से लेके जाएगा भाई, अभी पता नहीं कौन से एंगल नाप रहा है ये, कर भाई कर कुछ तो कर, स्टार्ट तो कर काम, वापस लेके जाएगा बिल्कुल पीछे कोने तक, यहीं से स्टार्ट कर दिया इसने। हाँ प्लो से काम बन गया अपना, प्लो से जो है खेत अब सही होने लग गया, जितनी भी ये ख़राब हुई फसल पड़ी हुई थी खेत में सारी की सारी हटने लग गई है। और मैं एक बार पास से आके देख लेता हूँ, इसको यहाँ से काम करने देता हूँ, और ये हो गया खेत अब ठीक, हाँ अब सही है। तो प्लो थोड़ा मिट्टी में डीप काम करता है, तो ये जो है सारा मिक्स हो जाता है मिट्टी के अंदर, जितना भी क्रॉप का रह जाता है। पहले मुझे लगा था कि पावर हैरो भी कर लेगी, बट पावर हैरो काम नहीं कर पाई, ये इस साइड तो पावर हैरो ने सही से काम करना स्टार्ट किया था, पर पता नहीं ग्लिच थी या पावर हैरो कर ही नहीं पाती। किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मुझे पावर हैरो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो पावर हैरो का मुझे पता नहीं है, प्लो का मुझे पता है, इसलिए मैंने अब दोबारा डिस्क हैरो नहीं लेके आया, क्योंकि डिस्क हैरो भी मैंने यूज़ नहीं की, पावर हैरो मैंने यूज़ नहीं की, मैंने प्लो यूज़ किया था, प्लो लिया है और उससे काम बन रहा है। तो अब प्लो से इस वाले खेत को रेडी करके फिर इसमें जो है कॉटन की सीड लगाए जाएंगे। बाकी ये वाला वर्कर यहाँ काम कर रहा है, और दूसरे खेत में वो दूसरा वर्कर काम कर रहा है जो सीड लगा रहा है कॉटन की, उसको भी देख लेते हैं सामने वाले खेत के अंदर। ये तो सही लगा रहा है इसने, तो काफ़ी सारे खेत में काम कर भी दिया, और यहाँ पे जो है ये लगा हुआ है यहाँ पे कॉटन। अभी स्नो में कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा स्नो गिर रही है, तो अभी इसको यहाँ काम करने देते हैं, क्योंकि एक ही खेत है यहाँ काम करने के लिए सीड लगाने के लिए, दूसरा खेत भी जो है पहले प्लो लगा के रेडी करना पड़ेगा। तो अभी पहले उस वाले खेत में प्लो लगने देते हैं, प्लो मैं बड़े वाले ले आऊँ, फटाफट से काम हो जाएगा, उसके बाद दूसरे खेत में प्लो लगा के उसमें भी जो है कॉटन की सीड लगा देंगे। अभी फिलहाल जो है मैं क्या करता हूँ, जो नई गाड़ियाँ आई है ना उनमें से एक गाड़ी परचेज करते हैं, परचेज नहीं करते मतलब लीज पर लेके आते हैं, परचेज करने में तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है। और अभी जो नई गाड़ियाँ आई हैं उसमें जो है ये सारी, ये तो पहले से थी, एक तो ये डस्टर आई है, डस्टर मैंने जो दूसरे वाले फार्म पे परचेज कर लिया है और मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई भी थी। पजैरो है, हिलक्स अपने पास पहले से है, ये फोर्ड की F-150, ये वाला जो है ATV है ये मैंने अभी परचेज कर लिया है, ये तो मेरे पास है अभी जो मैंने दिखाई थी। ये ऑडी RS6 एवेंट भी दूसरे वाले फार्म पे है, ये आया है जॉन डियर का गेटर 6x4, और इसमें 6 टायर हैं, और ये मेनली ना मेरे को लगता है कि पुल करने के लिए है, बड़ा ट्रेलर वगैरह, और ये देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है। उसमें कस्टमाइजेशन भी काफ़ी सारी है, एक तो ये नॉर्मल वाली कॉन्फ़िगरेशन में आता है, एक ये जो है 600 kg वेट आगे इसमें ऐड हो गया है, 900 kg भी हो सकता है, 1200 kg, और ये आगे बुलगार्ड लग गया है, ये दूसरे तरीके का बुलगार्ड है, और ये साइड से भी काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन है, ये तो यहाँ पर भी लग गया इसमें, और ये आगे शायद इसमें विंडशील्ड भी लग जाएगी, और ये एक पूरा का पूरा फ्रेम लग गया, पूरी विंडशील्ड यहाँ तक लग गई। नहीं ये तो इसे लग के तो बेकार लग रहा है, बिना इसके ठीक लग रहा था, तो इसको तो हटाते हैं, ये ऐसे ही रहने देते हैं, सिंपल विंडशील्ड लगा देते हैं आगे, और ये लाइट लग सकती हैं ऊपर, ये वाली बीकन वाली नहीं, ये नहीं चाहिए, एडिशनल लाइट्स में ये आगे वाली लाइट तो ठीक है। और इंजन सेटअप भी इसमें जो है, जो अभी साथ में आ रहा है उसकी 25 km/h की स्पीड है, ये 40 वाला है 50 तक जाता है मैक्सिमम, तो 50 वाला ट्राई कर लेते हैं। बाकी कलर वाले इसके ऐसे ही ठीक हैं, और ये रिम कलर वगैरह सब ठीक हैं, ऐसे ही स्टैंडर्ड कलर है, तो ये मेनली ट्रेलर को खींचने के काम आएगा। अभी फिलहाल तो ट्रेलर है नहीं, पर जब कॉटन को हार्वेस्ट करेंगे उसके बाद कॉटन वाला ट्रेलर आता है एक बड़े वाला, मैं दिखाता हूँ, पहले मैं इसको लीज पे ले लूँ, उसके बाद
उस वाले ट्रेलर को जो है इससे खींच लेंगे, और वो जो कॉटन वाला ट्रेलर आता है वो कॉटन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे है ये रहा। फिर कॉटन ट्रांसपोर्ट के लिए चाहिए होगा, जब कॉटन हार्वेस्ट होके उसकी पूरी बेल्स बन जाएंगी तो ये यहाँ से इसमें लोड करके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ले जाना पड़ेगा। और ये वाला ट्रेलर जो है मैं अटैच कर लूँगा, और ये वाला ट्रेलर शायद डायरेक्ट अटैच नहीं होगा, इसके लिए बीच में मुझे डॉली यूज़ करनी पड़ेगी, और ये वाला ट्रेलर तो डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। ये वाला ले लेंगे, ये वाला ज़्यादा ठीक लगेगा। अभी फिलहाल तो इसे चला के देख लेते हैं, और इसकी आवाज़ तो काफ़ी सही आ रही है, 6x4 है, हाँ लग ही रहा है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अभी अपने फार्म पे कोई ना कोई तो चीज़ खड़ी होगी, उसे खींच के देखेंगे इससे। और इसके अंदर से तो अंदर ही कुछ वार्निंग वगैरह लिखी हुई है, और सामने मीटर तो बेसिक वगैरह है, इसमें स्पीड का मीटर ही नहीं है, तो इसमें स्पीड का मीटर देखने की शायद ज़रूरत ही नहीं है। तो अंदर तो कोई डैशबोर्ड पर स्पीड का मीटर नहीं आ रहा, बाकी नॉर्मल अपना जो स्क्रीन पर स्पीड शो हो रही है उसमें आ रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे छोटा ट्रक हो, ट्रक आते हैं ऐसे जिनमें जो है खाली आगे का केबिन होता है, पीछे का कुछ नहीं होता। बाकी देखेंगे इसको यूज़ करके, मेरे को काफ़ी सही सा लगा ये, इसलिए मैंने परचेज़ कर लिया। बड़े ट्रक से बेटर है, बड़े ट्रक को जो है चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, मोड़ने में भी दिक्कत होती है, इसमें शायद वो दिक्कतें नहीं होंगी, इसीलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया है। अपने फार्म पे एक तो ये छोटे वाला ट्रेलर खड़ा हुआ है, इसको पहले लगा के देखते हैं इससे। और ये ट्रेलर में भी पीछे जो है हार्वेस्ट करके मैंने छोड़ रखा है, ऐसे ये वाला मैंने सेल ही नहीं किया। एक काम करते हैं, इसको ले चलता हूँ राइट साइड में मार्केट है, वहाँ सेल करके आ जाता हूँ। ये वाला रह गया था उस टाइम जब मैंने लास्ट टाइम हार्वेस्ट किया था। तो अभी यहाँ से गेट खोल के, और ये सामने अपना काऊ बांध दिख रहा है जो लास्ट वीडियो में मैंने लगाया था। और यहाँ पर अभी 80 काउज ही हैं, ज़्यादा काउज नहीं है, इनका खाने वाने का तो मैंने यहाँ पर डाल रखा है। तो फिलहाल जो है इसे लेके चलते हैं मार्केट की तरफ, और एक बार सेल करता हूँ, इससे भी थोड़ा सा अमाउंट मुझे मिल जाएगा। और ये अंदर वाले व्यू से मुझे चलाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो जो है दिख ही नहीं रहा, इस वाली ट्रॉली के पीछे छुप जा रहा है। इधर से चलाते हैं, तो इस वाले ट्रेलर को तो ये ईजिली जो है पुल कर पा रहा है, और पीछे ट्रेलर में जो है वजन भी काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी इस पर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, 43 की स्पीड तक पहुँच गया। अब बड़े वाला ट्रेलर भी पास खड़ा हुआ है एक, बट वो शायद खाली है, जब वो भरा होगा तब उसमें जो है ट्राई कर लेंगे। वैसे इसमें कोई इशू नहीं आने वाला, ट्रक से काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ये आ गई मार्केट यहाँ पे, तो पहले भी इस वाली मार्केट पे मैं आया हूँ ट्रक लेके, मैंने यहाँ पे सेल किया था, उससे मुझे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। और सेल करने के लिए बस यहाँ पे लेके आना है, और अब जरा बाहर का व्यू कर लूँ इधर, हाँ बस यहीं पे ये बाहर ले जो है सारी अनलोड कर देता हूँ। इस वाली बाड़े से ही मुझे 8192 यूरो मिल गए। चलो अब यहाँ से ये रहा अपना ट्रैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है, इसके साथ वाला खेत भी अपना ही है। ओह ये बाहर ही आ गया इधर, अरे क्या कर रहा है यहाँ पे, खुदा कहाँ लेके आ रहा है, इसको मोड़ने की शायद जगह नहीं मिल रही यहाँ पे। और अपने तीनों खेत लाइन से हैं, ये रहा एक खेत, उसके साथ वाला खेत और उधर वाला खेत। सबसे उधर वाले खेत में प्लो लगा रहा है अभी वर्कर, और इधर तो सीड लगा रहा है, और इधर साथ में यहाँ पे ये रेस्टोरेंट है, स्पिनरी है, फैक्ट्री है, जितने भी प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं सबकी सब यहाँ पे एक जगह पे ही हैं। और जो जो अलग अलग सामान मैं लेके आता हूँ, कुछ यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, कुछ यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। जब यहाँ पे मैं कोटर लगाऊंगा तब मुझे ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, कोटर मैं सामने वहीं पे सेल कर सकता हूँ। और इसे सामने सीधा अपने खेत में से लेके चलते हैं, सामने वाले खेत में वहीं पार्क करना है, बस इसको यहीं पार्क कर देते हैं अभी, और बाकी इसकी टेस्टिंग मैं बाद में करूँगा, ठीक है फिलहाल के लिए तो ये। और ये अपना ट्रक खड़ा हुआ है, इस ट्रक की तो कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वाइल्ड ट्रोल से तो 4 times है। और बाकी अभी देख लेते हैं, अभी एक दो गाड़ी और आई हैं, वो भी मैं परचेज़ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है, दोनों वर्कर काम कर रहे हैं, तो मैं इतने गाड़ियाँ ले लेता हूँ लीज पे, उन्हें चला के देख लेता हूँ। तो बाकी गाड़ियों में ये वैन आई हुई है, रंबलर वैन है, और ये एक बड़े वाली वैन है, और ये गाड़ी सही लग रही है, और ये तो पहले से गाड़ी है, ये वाली जिप्सी भी ट्राई कर ही लिया है, ये वाली गाड़ी ले लेते हैं, ये वाली गाड़ी मेरे को ठीक लग रही है। और इसमें कलर की ऑप्शन तो है, ये वाला कलर तो बहुत बेकार सा लग रहा है, इसमें रेड मेटैलिक ठीक लगेगा। इंटीरियर का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ शायद, इंटीरियर का कलर नहीं, ये स्ट्राइप्स का कलर है, ओ ये तो काफ़ी सही लग रही है इसमें, हाँ ये ठीक लग रही है। और रिम्स का कलर चेंज नहीं कर सकता, रिम का कलर फिक्स है। एडिशनल लाइट्स कहाँ पे लगेंगी, एडिशनल लाइट्स ओ यहाँ पे लगेंगी एडिशनल लाइट्स। और इसकी पावर है 290 हॉर्स पावर, पावर तो काफ़ी अच्छी खासी है, इसको भी चला के देखते हैं लेके। ये भी गाड़ी बाहर से तो काफ़ी सही लग रही है, और अलॉय इसके काफ़ी अच्छे हैं, और अंदर से कैसी है, अंदर से तो बिल्कुल बेसिक है ये, तो मेरे को लगता है ओल्ड मॉडल है, कोई विंटेज वगैरह गाड़ी लग रही है। हाँ बाहर से देखने में लग भी रही है, थोड़ी लाइट है वाइट है इसकी ना, ऐसे थोड़ी विंटेज टाइप की सी हो। चलाते हैं इसको, उसकी स्पीड तो 200 किलोमीटर पर आर की है, स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, देखते हैं पहुँचती कितनी है, वो तो दिख ही रहा है। इधर इस वाले रोड पर ट्राई कर लेते हैं, ये तो पहुँच जाएगी 200 तक लग रहा है मेरे को, 133 तो ऐसी ही पहुँच गई, 150 पहुंच गई, इतना तो रोड ये कैपेबल भी नहीं है भाई, नहीं 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 आराम से थोड़ा आराम से लेके चलते हैं।
चल तो काफ़ी तेज़ रही है, काफ़ी सही लगी मुझे स्पीड के मामले में तो ये। और इसे ले आके अपने गैराज में पार्क करते हैं, और अभी अपने क्वैड बाइक है इसको भी जाकर गैराज में पार्क करता हूँ। और मैं सोच रहा हूँ इन दोनों गाड़ियों को भी ना सामने वाला गैराज काफ़ी बड़ा है, और उसमें जो है गेट भी है बंद करने के लिए। इन वालों में गेट नहीं है। इस गाड़ी को करता हूँ पार्क यहाँ पे, इसको रिवर्स करके पार्क करते हैं, क्योंकि मुझे दो गाड़ियों की और जगह बनानी है और एक क्वैड बाइक की जगह बनानी है। थोड़ा इसको इधर की साइड करके पार्क करेंगे यहाँ पे। वैसे तो मैं आमने सामने पार्क कर सकता हूँ, ऐसे करता हूँ, इधर कर देता हूँ बस यहाँ पे, ठीक है। एक ऐसा गई, एक इसके साथ आ जाएगी और दो इधर आ जाएंगी। पहले अपने हेलक्स को निकाल लेते हैं। और इस गेम में पहली गाड़ी थी जो मैंने ली थी, और ये पूरी कस्टमाइज है, और इसके जो है टायर वगैरह सब कुछ ऑफ रोडिंग के हिसाब से लगे हुए हैं, और इसका इंटीरियर तो काफ़ी ज़्यादा सही है, मैंने पहले दिखाया हुआ है। और इसको भी जाके अंदर वहीं पर पार्क करते हैं, बस इसको ऐसे करके यहाँ पार्क कर देता हूँ। तो दो गाड़ी तो आ चुकी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और अपना घोड़ा यहाँ पे घूम रहा है, इसको ज़रा हॉर्स बांध के अंदर पहुँचाऊँ। ठीक है, इसको यहाँ छोड़ते हैं, और अपनी एक गाड़ी ये खड़ी हुई, इसको भी अंदर जाके वहीं पार्क करता हूँ। ठीक है, अब बस क्वैड बैग रहेगी, क्वैड बैग को ले आता हूँ, उसके बाद इसका जो है ये वाला गेट बंद कर दूंगा। और एक बार जरा मैं पिक्स को भी देख लूँ, पिक्स को मैंने देखा नहीं है, क्वैड बाइक है, तो जरा पिक्स के बांध के अंदर घूम के आता हूँ। सब ठीक है वैसे तो, ये सोए पड़े हैं और ये अंदर वैसे अभी भी नहीं गए। इनका पानी वानी का भी देख भी लूँ, काफ़ी टाइम हो गया इनका पानी का देखा नहीं है। और वैसे तो ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, बट यहाँ से निकलते हैं नहीं, इधर ही रुक जाते हैं, क्योंकि मैंने दिखाया था कि यहाँ से जो है इधर खाली जंगल है इस साइड, तो ये पूरा का पूरा खुला है यहाँ पे, बट ये जाते नहीं है, ये इस हैच की वजह से यहाँ पे रुक जाते हैं। और इनका पानी का और खाने का है सामने, वो भी एक बार देख लूँ। ये एक पिक तो वहीं पे खड़ा है, क्या कर रहा है, पानी पी रहा है शायद, वो पानी तो है ही नहीं, पानी ख़त्म है इसमें, इसमें खाना भी ख़त्म है, तो इनका खाना और पानी दोनों ख़त्म है। पानी के लिए तो टैंकर सामने खड़ा हुआ है, वो मैं ला कर डाल दूंगा इसमें, और खाना जो है मुझे शॉप से जाके लेके आना पड़ेगा। बाकी सभी एनिमल्स का लाना है तो मैं खट्टा जाके ले आऊँगा एक बार। तो फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, अभी स्क्वाड बाइक को पार्क करके यहाँ पे पानी तो भी डाल देता हूँ, खाना मैं बाद में ला के डाल दूंगा। अपने चारों व्हीकल्स यहाँ पे अंदर आ चुके हैं, इसका कर देते हैं यहाँ से गेट बंद। और अब सामने जो है खड़ा हुआ है ट्रैक्टर पानी का, उसमें पानी तो होगा, पानी नहीं होगा तो मुझे पानी फिल करना पड़ेगा, और पानी फिल करने के लिए सामने वहाँ पर मैंने वाटर टैंकर लगा रखा है, फिलहाल उसमें पानी शायद नहीं होगा। हाँ, पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला जो वाटर टैंक है, इससे मैंने टैंकर तो फुल कर लिया, बट मेरे को अभी ध्यान आया कि ये वाटर टैंकर मैंने यहाँ गलत प्लेस किया हुआ है, इधर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, अपने सारा का सारा वाटर की रिक्वायरमेंट अंदर वहाँ पे जितने भी बान है उनमें होती है, और ये मैंने यहाँ बाहर प्लेस किया हुआ है, तो इसको अब यहाँ से हटा दूंगा, इसको अंदर की साइड प्लेस करूँगा, क्योंकि जब पानी वहीं पर चाहिए तो मैं इसको वहीं पर कहीं पर लगा लेता हूँ, वहाँ पर भी काफ़ी जगह है, वहाँ जहाँ पर मैंने ये दोनों गैराज लगाए हुए हैं वहाँ आसपास कहीं लगा सकता हूँ। तो अब इसको हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि फालतू में इतना बाहर आना पड़ता है। और ये भाई साहब यहाँ क्यों खड़े हुए हैं, क्या होगा भाई, अबे निकलने की इतनी जगह है, अब यहाँ खड़ा होकर क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है यार ये, क्या दिख रहा है इसमें, देखता रहा है ये, मेरे को लग रहा है घास में उतरना नहीं चाह रहा, इसको रोड से ही जाना है, हाँ रोड पे ही चलना है, घास में नहीं पैर रखने इसको, घूम ले भाई, वॉक पर निकला हुआ है वैसे भी। तो यहाँ पे आ गई पानी अनलोड करने की ऑप्शन, और इसको पूरा फुल कर देते हैं, ज़्यादा पानी इसमें आएगा नहीं, आधा टैंक के आसपास लग जाएगा शायद, या पूरा टैंक ही लेने वाला है, पूरा टैंक पानी ही आ गया इसके अंदर, तो देखने में तो काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है, बट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है इसकी पानी की। और अब तो यहाँ पानी देख लेता हूँ, हाँ ये आ गया पानी अंदर इसके, चलो ठीक है। और ये पिग विग आएगा किधर से, नहीं इन्हें प्यास व्यास तो नहीं लग रही है, अभी प्यास लगी हुई तो भाग के आ जाते। तो इसका काम तो हो गया, बाकी अपने जो दूसरे बान हैं काउस भी काफ़ी सारी हैं और शीप्स हैं, और शीप से जो है वुल भी मिलना शुरू हो गया है, वुल को भी सप्लाई करके आना है मार्केट में, जिस मार्केट में मैं अभी सप्लाई करके आया था। और बाकी काउ बंग का मिल्क भी मैं सप्लाई करने वाला हूँ, अभी डेयरी नहीं लगाने वाला, डेयरी बाद में लगाएंगे, अभी बस एनिमल से जो जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको सप्लाई करेंगे डायरेक्ट मार्केट के अंदर। बाइक कमेंट करके बताना अगर सबके एग्जाम खत्म हो गए हैं तो, मैं किसी किसी दिन दो दो वीडियो भी डाल दूंगा, क्योंकि अब मैं फुल टाइम यूट्यूब कर रहा हूँ और अब मैं दिन में दो वीडियो कभी कभी बना सकता हूँ, कमेंट से पता चल जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि दो दो वीडियो डाल दूँ। बाकी आज के फ्रेश वीडियो में इतना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say.